हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ मसाला टी, शाही मसाला टी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ठंड का मौसम है, ठंड में मसाला टी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है आपके शरीर को। वो गर्माहट भी देती है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। ऐसा सुनने में लगता है कि मसाला टी थोड़ी डिफिकल्ट होगी, उसका मसाला बनाना डिफिकल्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। आप बहुत ही कम समय में, मिनिमम टाइम में ये रेसिपी खुद से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये 1 इंच के अदरक को ग्रेट करके ले लिया है, और ये मसाले हैं जो मसाला टी में जाएंगे। इसमें ये 3 इलायची है, और ये 4-8 काली मिर्च है, और ये छोटी सी दालचीनी है। इसे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसे ज़्यादा डालने से चाय के टेस्ट में बहुत फ़र्क आएगा, फिर वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। ये मैं 2 लोगों के चाय के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप 4 लोगों के लिए चाय बना रहे हैं तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर दें, यहाँ तक कि उसी क्वांटिटी में आप 5 लोगों की चाय आराम से बना सकते हैं। उसमें आप और मसाले मत यूज़ करिएगा, नहीं तो फिर वो ज़्यादा कड़क हो जाएगी। अब इन ये जो सारे मसाले हैं, इसे हम खल में कूट लेंगे। इसे मिक्सी में नहीं कूट चलाना है, क्योंकि उससे उसका टेस्ट एकदम ही ख़त्म हो जाता है। उससे क्या होता है ना, मसाले गर्म हो जाते हैं, तो मसाले गर्म होने से उनका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसे हम कूटेंगे, दरदरा रहेगा तो इसका फ्लेवर चाय में बहुत अच्छे से घुल के रहेगा। इसे हमने दरदरा कूट लिया है, इसको इसी तरीके से कूटना है। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब हम एक टोप लेंगे। आप लोगों से बात करने के चक्कर में मैं एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तो भूल ही गई, ये सौंफ है। इसमें 1/4 चम्मच सौंफ जाएगा। जब हम इसे मसाले, इलायची और काली मिर्च इन सबको कूटेंगे, उसी में ही सौंफ जाएगा। आधा चम्मच तब डालिएगा जब आप 4 या 5 लोग की चाय बना रहे हैं। 1/4 चम्मच पड़ेगा जब हम 2 लोगों की चाय बना रहे हैं। अब इन सब सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है। इसमें पानी बहुत थोड़ा सा पड़ेगा, 1/2 कप से भी कम पानी पड़ेगा, क्योंकि ये शाही चाय मसाला है, तो ऑब्वियस है कि इसमें इसको थोड़ा सा रिच बनाना है। तो इसको बढ़िया बनाने के लिए आप इसमें फैट मिल्क मत लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जब उसका क्रीम उसमें रहता है, फैट रहता है, तो देन वो मसाले का सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो उतना फ्लेवर खिल के नहीं आता है। तो इसमें हमने टोन मिल्क लिया हुआ है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा, और इसको बॉयल मतलब 4 से 5 मिनट इसको खूब अच्छे से पकाना है, उसके बाद ही हम इसके अंदर मसाले एंड चाय की पत्ती डालना शुरू करेंगे। ये देखिए दूध उबल गया है। दूध को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लिया है। ये ध्यान रखिएगा कि आप फ्रेश दूध लें, ना कि फ्रिज में रखा हुआ दूध लें, क्योंकि उसमें क्या होता है, टोन मिल्क भले ही हो बट आप फ्रिज में रखते हैं तो ऊपर उसके मलाई जम जाता है, तो मलाई जम जाने से उसका वो जो लिटिल फैट है वो भी निकल जाता है, तो ये पतली हो जाएगी चाय, फिर ये उतना टेस्ट या शाही टेस्ट नहीं देगा। तो इसलिए इसको खूब अच्छे से उबालें, कम से कम 3 से 4 मिनट तक एकदम अच्छे से उबालें, देन इसमें चाय की पत्ती ऐड करें। दूध उबल गया है, मैंने इसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल दी है, क्योंकि ये 2 लोगों की चाय है, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच यूज किया हुआ है। अगर आप 4 लोगों का बना रहे हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि आप इस क्वांटिटी को डबल कर दें। अब इसके बाद हम इसमें सारी चीजें ऐड कर देंगे। ये अदरक इसमें ऐड कर देंगे, देन ये मसाला, जब ये सारी चीजें डाल लेंगे उसके बाद हम 5 मिनट इसे एकदम स्लो आंच पे, स्लो टू मीडियम आंच पे हम इसे पकने देंगे 5 मिनट के लिए। उसके इससे क्या होगा ना कि जो मसाले का फ्लेवर है अच्छे से मिल्क के अंदर मर्ज हो जाएगा,
चीनी हम अभी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, चीनी डालने से जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। इसलिए हम जब हमें चाय छानना होगा, जब हमें उतारनी होगी चाय, तो उसके मैं 1 मिनट पहले हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। देखिए चाय अच्छे से उबल गई है, इसको हम 1-2 मिनट और पकाएंगे। अब इसी टाइम पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी डालते समय आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप इसमें चीनी ज़्यादा ना डालें, नहीं तो बहुत मीठी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये दूध की चाय है और प्योर दूध है, इसमें पानी हमने बहुत कम यूज़ किया हुआ है। तो चीनी इसमें बहुत हिसाब से डालें, कम ही डालें। मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डालूंगी। अब इसे हम 1 मिनट और पकाएंगे। अब चाय अच्छे से उबल चुकी है, अब इसे हम सर्व करने के लिए ये चाय एकदम रेडी है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अगर आपको लगता है कि इसका कलर थोड़ा कम है, तो आप चाय की पत्ती थोड़ी ऐड कर सकते हैं, बट ये दूध की चाय है तो उसका कलर बहुत ज्यादा नहीं आएगा, तो आई थिंक इतना इनफ है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये मसाला टी हो और ठंड में मसाला टी के साथ समोसे हो गर्मा गर्म, जरूर ट्राई करें इसको। ये बहुत इजी सिंपल रेसिपी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये रेसिपी। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है, दिखने में ही एकदम शाही लग रहा है और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड प्लीज बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।